प्रति रविवार की तरह इस रविवार को भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें सफल हुए विद्यार्थियों को उपहार देने के लिए आज के सफल डॉक्टर और कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी डॉक्टर चैतन्य निगम उपस्थित हुए और उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए कॉलेज में ज्ञान अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज जाना जाता है अपने बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए, जिसके तहत सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां यहां पर कराई जाती है और प्रति रविवार विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला भी आयोजित की जाती है। इस रविवार भी टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने के लिए मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले विद्यार्थी, जो कि यहाँ के पूर्व छात्र भी हैं, टेस्ट श्रृंखला में पुरस्कृत करने पहुँचते हैं। बता दें, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को उपहार देने एवं उनका उत्साह और हौसला बढ़ाने के लिए कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर चैतन्य निगम यहां पर पहुंचे। चैतन्य निगम आज एक सफल चिकित्सक हैं, उन्हें बतौर अतिथि यहां पर आमंत्रित किया गया। डॉक्टर चैतन्य निगम ने मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को छोटी सी कहानी सुनाई और किस तरह से वह अपने परिवार में एक अलग विषय लेकर खुद को इस काबिल बनाया है। वह आज एक सफल डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं भारत सरकार को दे भी रहे हैं। आता है मतलब आता है, खत्म बात। मुझे खाना खाना आता है, अब सीखने की जरूरत तो नहीं है ना। मुझे ब्रश करना आता है, सीखने की जरूरत तो नहीं। तो उस पर टाइम वेस्ट करते हैं क्या? नहीं करते। दिमाग लगाते हैं क्या? दिमाग की कंडीशन अभी ऐसी है कि जो आता है ना उस पर भरोसा कर लो, और जो टेक्स्ट बुक छूट गए हैं उसको फ्रेश कर लो। जो जो जहाँ लग रहा ना, देखो नंबर कम आ रहे हैं मान लिया टेस्ट में, तो ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि आज ही मिल गया ये जो नहीं आता था। बजाय इसके कह रहे उसका आ गया, मेरा नहीं आया, मेरा पीछे उसका आ गया, ये सब कोई मीनिंग नहीं रखेगा। अगर आपके 100 में से 60 सही हैं तो खोजने का अवसर 30-40 का है, और 100 में से अगर 90 सही है तो खोजने का अवसर सिर्फ 10 का है। आप खोजने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, तो उस पार्ट में तो बिल्कुल नहीं जाओ। लेकिन अब इशू यही है कि मेन मैं कह रहा हूं कि अपने आप को बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे को लेकर कैसे माँ चलती है, तो छोटा बच्चा होता है सर्दी नहीं लगे, जुकाम नहीं लगे, बाहर का हवा नहीं लगे, कुछ नहीं, वैसे लेके चलना, वैसे लेके चलना, नेगेटिविटी से बचा के चलना है। और ये मान मैं तो बोलता हूँ, अभी बोलूंगा कि मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, लेकिन उसके रास्ते में जो मेरा ये आता है वो आता है, उसमें कोई मुझे दुनिया का आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। खाना खाना आता है कोई चैलेंज कर सकता है? ठीक है, जो आता है वो मान के चलेंगे आता है, ठीक है। जो छूट रहा है अब उस पर ध्यान दो, क्योंकि आप 100% तो नहीं अचीव कर पाएंगे, लेकिन जैसे सर ने बोला कि 60 आ रहे हैं, 40 पे फोकस करना है, 60 फोकस नहीं करना। 60 में स्पीड बढ़ाओ, मतलब दोनों चीज है ना, इधर हम जो आता है उसमें गति बढ़ाए, जो नहीं आता उसको सीखे। अगर ने फोकस किया ना तो दिमाग की स्थिति ना गड़बड़ हो जाती है, और आपके टाइम लिमिटेड है, वहां पे टाइम लिमिटेड है, तो दिमाग को स्टेबल रखना है, ठीक है। आपको सब आता है, लेकिन उसी समय ही आपने डिप्रेशन में चले गए, आप 100 में 100 यहाँ लेकर के आइए, उस 3 घंटे में डिप्रेशन में चले गए कि मुझे कुछ नहीं आता करके, तो बनता हो क्वेश्चन भी छूटा के पास इंजेक्शन लगाना, तो कोई रास्ता है नहीं, तो बैठ के पढ़ाई किया 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 किया। और संडे टेस्ट होते थे तो उसमें भी शुरू में तो कहीं आते ही नहीं थे, पहले के मतलब जुलाई वगैरह में जो होते थे, जुलाई अगस्त में, फिर धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा ठीक होना चालू हुआ, संडे को टेस्ट में पता चलता था, तो फिर कॉन्फिडेंस आया। और एक तो और फ्रेंड्स थे तो उनके साथ आपस में हम लोग कॉम्पिटिशन भी करते थे, और ये था कि जैसे मेरा बॉटनी अच्छा है तो उसका जूलॉजी अच्छा है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, मेरा जैसे बॉटनी केमिस्ट्री अच्छा था, फिजिक्स मुझे इसलिए डर लगता था क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स भी मुझे पसंद नहीं था, और इसलिए मैं छोड़ा था कि अब एक्स क्या है वो किसी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता। ऐसा हो गया ना। डॉक्टर चैतन्य निगम ने विद्यार्थियों को परीक्षाओं में किस तरह से सफलता पाई जाए और परीक्षा को लेकर अपने भीतर के नकारात्मक सोच को किस प्रकार सकारात्मक सोच में बदला जाए, इससे भी अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को यहाँ पर बताया कि हर इंसान में सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियाँ मौजूद होती है, बशर्ते नकारात्मक शक्तियों या सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया जाए, और इससे हमेशा खुद से दूर ही रखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य निगम है,
और बेसिकली दुर्ग का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं भारत सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो स्थित है, जो कि क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भी है, तो वहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर माइक्रोबायोलॉजी के रूप में अभी मैं पदस्थ हूँ। जैसा कि मैं हमेशा, ये मेरा मानना है कि इंसान तो सब एक बराबर है, सब में पोटेंशियल एक ही बराबर है। ये है कि रास्ता जो बता दे, हमको रास्ता नहीं पता होता ना, तो सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने मुझे रास्ता दिया और साथ में एक हौसला दिया, जैसा सर ने अभी बाकी बच्चों को दिया है कि आप कर सकते हैं। तो सर खुद इतने पॉजिटिव हैं, चिरंजीव जैन सर, कि उनसे हम पॉजिटिविटी ले करके कि हाँ हो सकता है करके, और हमारा एटीट्यूड भी अब वैसे ही बन गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम अचीव नहीं कर सकते। और वो यहाँ जो पढ़ना है वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा, क्योंकि ये गाइडेंस नहीं मिलता तो हम शायद यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। सर वैसे तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोगों का योगदान है सर, एक आदमी का, दो आदमी का नाम लेना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि कोई भी आदमी, हम समाज में रहते हैं ना तो अकेले तो है नहीं। हाँ, सबसे पहले तो मेरा परिवार ही है आएगा, पेरेंट्स आएंगे, मदर फादर जो हैं, और जैसे मैंने बताया था कि मदर ने मुझे एक आदेश ही दे दिया था कि डॉक्टर ही बनना है करके, और उसके बाद तो कोई रास्ता था नहीं। तो वहाँ से फिर उसके बाद इस कॉलेज में, सचदेवा कॉलेज में सर लोगों ने जो सपोर्ट किया है, और ये है कि सफल होने के लिए थोड़ा सा अकेले रहना पड़ता है, तो बाकी लोगों ने जो मुझे, मतलब जिनको मैं समय नहीं दे पाया, वो निगेटिव रूप में, वो सब भी उनका योगदान रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो सर असल में क्या है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बिल्कुल रॉ होते हैं, कच्चे होते हैं, और स्कूल की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल अलग होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं जहाँ कॉम्पिटिशन होगा उसकी तैयारी बिल्कुल अलग होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगती हैं, माइंडसेट लगता है, डेडिकेशन लगता है, मेहनत लगती है। तो इस जगह ने मुझे उसके लिए तैयार किया। जैसे अच्छा गुरु मिले ना तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गुरु बताते हैं कि सारी चीज़ों को सामंजस्य कैसे बैठाना है करके। तो वो इस जगह ने मुझे दिया था कि आप समय भी कैसे मेंटेन करेंगे, नॉलेज भी कैसे लेंगे, डेडिकेशन भी कैसे लाएंगे, और एग्ज़ाम के टाइम में अपने दिमाग को शांत भी कैसे रखना है। सर मैं तो मतलब ये मान के चलता हूँ कि जो कर रहे हैं चिरंजीव सर, तो एक टाइप का सोशल वर्क है, क्योंकि बहुत फैमिली बैकग्राउंड जिनके पीछे हैं वो भी आज बहुत आगे आए हैं। तो ये चलता रहे, और डेडिकेशन सर का भी बहुत रहा होगा, मेरा कहना है, मानना है, क्योंकि उसके बिना यहाँ तक इतने साल, आज 24 साल हो गए मुझे, तो लोग आते हैं चले जाते हैं, 24 साल रहना मतलब कि वो एक लीजेंडरी बात है। और ये जो जगह मैं जहाँ पे आज खड़ा हूँ, ये छत, ये दीवारें, ये 24 साल पहले की है। मैं आज मतलब आज भी ये मानता हूँ कि ये वही हैं, और इन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े धुरंधरों को निकाला है, यहाँ से पढ़ करके निकले हैं, जो बहुत हमारे देश में बड़ी बड़ी जगह पे, देश ही नहीं विदेश में भी आज अभी काम कर रहे हैं लोगों की सेवा के लिए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सचदेवा पीटी कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने इस पहल के बारे में बताया कि हमारे पास छोटे पौधे के रूप में ये विद्यार्थी आते हैं, और जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है हम उनसे सींच कर इस काबिल बनाने का प्रयास करते हैं कि वह एक बड़े और मीठे फलदार वृक्ष की तरह स्थापित हो सके। साथ ही मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने जा रही एक छात्रा ने भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए खुद को अच्छे मुकाम पर देखने की ख्वाहिश जाहिर की। देखिए, हम जिस कार्य में हैं, शिक्षण के कार्य में, उसमें हमारा कार्य ही कोई विशेष काम नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो काम हो रहा है। और असल में तारीफ़ की जाए तो इन बच्चों की करना चाहिए जो एक पौधे से वट वृक्ष बनते हैं। अगर हम, मेरा कहना है कि इनमें क्षमता है इन बच्चों में, और ये अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ते हैं। हमारा सिर्फ सहयोग रहता है और सबको रहता है। देखिए, हर इंसान के अंदर भरोसा भरा हुआ रहता है, सिर्फ वो अपने को निगेटिव से बचा लेना। पॉजिटिव तो इंसान, भगवान ने इंसान को पॉजिटिव बनाया। देखिए, हम लोग शहद की एक बूंद मुंह में लेते हैं और मुंह उसको पूरा शरीर रिसीव करता है, वही कुनैन की एक बूंद लें तो पूरा शरीर बाहर फेंकेगा।
तो पॉजिटिव तो हम लोग जन्मजात हैं, मतलब जो इंसान को जो भगवान ने बनाया बिल्कुल पॉजिटिव है। यह है कि हम अपने आसपास ऐसे लोग इकट्ठे कर लेते हैं या आ जाते हैं और कहीं उनके प्रभाव में हम आ जाएं, वहां से नकारात्मकता शुरू होती है। तो मेरा कहना है कि जिसको भी सफलता पानी है वो सिर्फ अपनी अपनी पॉजिटिविटी को आगे रखें, दूसरे की निगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती, बचा के रखें अपने को। कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पे हमें टिप्स इतनी अच्छी मिलती हैं प्रिपरेशन के लिए कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, अपना एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे रहता है। और जब यहाँ पे चिरंजीवी सर से हमको गिफ्ट्स मिलते हैं हमेशा संडे को, हर संडे को जब टेस्ट के रिजल्ट्स आउट होते हैं, जब मार्क्स पता चलते हैं, तो बहुत ही पहले तो नर्वसनेस लगती है बट जब सर नाम लेते हैं हमारा तो बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं हमारे लिए कि जितने भी डाउट्स होते हैं उनको अच्छे से क्लियर करते हैं, बहुत ही तो अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। बाजी आपकी होगी उम्मीद तो है। यहाँ से जाने के बाद तो मतलब मिशन तो एम्स का ही है, लेकिन उसके बाद मैं चाहूँगी कि कभी मुझे भी यहाँ आने का मौका मिले। जैसे आज हमने डॉक्टर साहब को देखा तो उनसे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन हमें फील हुआ, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमको नेगेटिविटी को अपने से कैसे दूर रखना है, पॉजिटिविटी की तरफ रहना है हमेशा। तो बहुत अच्छा लगा और लगा कि काश हम भी आगे चल के ऐसा कर पाएं। डॉक्टर चैतन्य निगम ने अपने सफल जीवन के लिए अपने माता पिता के साथ सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के द्वारा दी गई शिक्षा का अहम योगदान बताया एवं सभी विद्यार्थियों को भी सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा और कठोरता से इस पर अमल करने की भी बातें कही। ACN News के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।